तो कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, कहीं टीकाकरण की तैयारी हो रही है तो कहीं हो गई है शुरुआत। हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं दिल्ली से सुरभि काक, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और मुंबई से सूरज ओझा। सबसे पहले सुरभि, आपका रुख करना चाहूंगी, आज से दिल्ली में टीकाकरण की शुरुआत हो रही है 18+ की, फिलहाल वहाँ क्या तैयारियां हैं और कितने बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है? सुरभि, की आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जहां पर भी टीकाकरण केंद्र जो है वो बनाया गया है, हम स्कूल के बाहर ही हैं। यहां पर आप जी, आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है। सुरभि, आप बताएं, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। मैं कह रही थी कि मैं करोल बाग के RPVV स्कूल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो देखिए, यहां पर वे टू COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग साइट्स बनाई गई हैं। हम आपको जानकारी दे दें, 5 साइट स्कूल जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। साइट 1 और साइट 2 की जानकारी यहाँ पर दी गई है, RO बना के बताया गया है। मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग साइट जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, और उसी हिसाब से ऐप पर भी जब लोग टीकाकरण के लिए आएंगे, और देखिए यहाँ पर शायद ये पहले का है लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लोगों को मदद कर सकता है खड़े रहने में। उसी के साथ साथ देखिए तस्वीरें यहाँ पर शिखा कुछ ऐसी हैं कि अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़नी शुरू हो गई है। 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए आज से टीकाकरण जो है वो खोला गया है, जिसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं कतार लगा के अभी से ही खड़े हुए हैं। इनसे बात भी एक बारी हम लोग कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से आए हैं आप और कितने बजे का टाइम स्लॉट है? टाइम स्लॉट है 4:30 to 11:30 के बीच में, आए हैं उत्तम नगर दिल्ली से। 4:30 सुबह? हाँ जी, स्लॉट में तो यही है 4:30 AM to 11:30 AM। सुबह के 4:30 बजे से आपका टाइम स्लॉट था, तो आप अभी लाइन बना के खड़े हैं, क्या जानकारी दी जा रही है? अभी तो बताया अंदर कि अभी वैक्सीन आई है यहाँ पे, अभी अभी यहाँ पे आए थे, वैन से आई है वैक्सीन। लेट्स सी कब स्टार्ट होता है, वी आर वेटिंग। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि लोगों ने टाइम स्लॉट जो है कोविन ऐप से 4:30 बजे का बुक किया हुआ था, 4:30 से 11:30 बजे का, जैसे हमने अभी यहाँ पर इन शख्स से बात की, और उनका कहना ये है कि अभी तक यहाँ पर वैक्सीन जो है वो नहीं पहुँची थी, क्योंकि लाजमी है आज पहला दिन है। 4.5 लाख कोविड डोसेज, वैक्सीनेशन के डोसेज जो हैं वो पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा समय लगा, जिसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। लेकिन सभी को यही आशा है कि अभी से थोड़ी देर में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू की जाएगी। सुबह लगभग 7 बजे हम भी यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँच गए थे, और उसके बाद हमने देखा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोग भी जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अभी ये कहना भी मुश्किल है कि इस सेंटर पर कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है, क्योंकि अभी तक अभी जैसे हम लाइव दे रहे थे वैसे ही यहाँ पर वैक्सीन पहुँची है, तो अभी ये भी बताना मुश्किल है कि यहाँ पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है या कोविशील्ड लगाई जा रही है। लेकिन बात यह है कि यहाँ वैक्सीन पहुँच चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू की जाएगी यहाँ पर लोगों की। जी सर, बेहद शुक्रिया। दिल्ली के आज 77 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, जहाँ 18+ यानी 18 साल से बड़े उम्र के लोगों का को टीका लगाया जाएगा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, लगातार यूपी में भी जो हालात है वो बद से बदतर है। मेरठ से खबर आई कि 5 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की किल्लत से, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कमी तो किसी बात की है नहीं, ऐसे में हालात पर काबू कैसे पाया जाए? शिखा, देखिए हालात बदतर हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और रोज़ सुबह कोरोना संक्रमण काल के दौरान कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर जरूर आती है सवेरे। और आज ही जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा हैं, कानपुर के रहने वाले हैं और लगातार कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे, उनकी मौत की दुखद खबर आई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी शोक संतप्त है इस खबर से। और जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो कल उत्तर प्रदेश में 31,000 संक्रमण के आंकड़े आए थे। एक अच्छी बात यह भी है कि 36,000 लोगों ने रिकवरी की है कोरोना से। हालांकि हालात अभी भी बद से बदतर ही हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयां, बेड, इनकी कहीं ना कहीं किल्लत महसूस की जा रही है। और छोटे जिलों की अगर बात करें तो वहां संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लखनऊ में स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं वहां दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए लोग जूझ रहे हैं, फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन पे, किसी को मदद नहीं मिल पा रही है। और वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो कहा गया था ग्लोबल टेंडरिंग करेंगे, अभी तक ग्लोबल टेंडर का फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ है। 1 करोड़ वैक्सीन के डोज का
ऑर्डर दिया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसका भी अता पता अभी तक कुछ नहीं है। सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन जो 1 तारीख को किया गया था, वही 7 जिले अभी भी हैं जिनमें कानपुर नगर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, मेरठ है, बरेली है। इस तरह से 7 शहरों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और मात्र 20,200 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। लखनऊ में 11 केंद्र है, बाकी सभी जगह 10-10 केंद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन भी नहीं है, उपचार भी नहीं है जी, दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं और दावे जरूर बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि नहीं सब हालात ठीक है, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। इसी का ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर है और लगातार कालाबाजारी भी हो रही है। अब आपको महाराष्ट्र के मुंबई लेकर चलते हैं, जैसे हमारे संवाददाता सूरज ओझा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सूरज, वहाँ सांकेतिक टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आज और पिछले 24 घंटे को लेकर के क्या अपडेट है महाराष्ट्र से? शिखा, महाराष्ट्र के हालात अभी भी जस के तस हैं, हालांकि आंकड़े थोड़े कम हुए हैं। जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी मुंबई की देखी जाए तो मुंबई में 80 के करीब लोगों की मौत रविवार के दिन हुई है। साथ ही जो मुंबई के आंकड़ों की बात की जाए तो 3,670 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो आंकड़े कहीं ना कहीं 3,000, 4,000, 5,000 के आसपास रोज़ाना आते जा रहे हैं। बताया जाता है कि ये आंकड़े कुछ दिनों से कम है लेकिन आंकड़े जिस तरह के हैं वो काफ़ी डरा देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र में आज जो यंग ब्रिगेड है उनको वैक्सीन दी जा रही है। मैं इस वक्त BKC जो मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ खड़ा हूँ। देश की यंग ब्रिगेड आई है जो वैक्सीन लगवा रही है। हालांकि मुंबई की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर मात्र आज के दिन 2,500 वैक्सीन ही अवेलेबल है और इन 2,500 वैक्सीन को 500-500 के रूप में कुल 5 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर बांटा गया है ताकि मुंबई की जो यंग ब्रिगेड है जो 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोग हैं वो 5 जगहों पर डिवाइड किए जा सके ताकि कहीं भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और उन्हें टीकाकरण किया जा सके। हालांकि जो 44 के ऊपर की एज के लोग हैं उनके लिए आज वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम ABP की तरफ से आह्वान करेंगे कि वो अपने घरों से ना निकले, वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आए, क्योंकि हम सुबह से यहाँ आए हैं, हमने देखा कि आज भी कई ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें पता है कि उनके लिए वैक्सीन आज अवेलेबल नहीं है, फिर भी कई लोग आज घरों से निकल रहे हैं। तो शिखा, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो हालात हैं वो अभी भी ठीक नहीं है, लोगों को घरों में रहना चाहिए। और बता दें कि जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल है, जिस वजह से जिसका नंबर रहे वही घर से निकले और वैक्सीन लगवाए। ABP News आपको रखे आगे।